बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत बाकी पार्टियों से चल रही है, हम विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आरजेडी को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि महागठबंधन मजबूत हो, इसे लेकर आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। कांग्रेस भाकपा माले प्रमुख तौर पर सहयोगी रही राजद की और अभी भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस महागठबंधन से अलग हुई। एक बार फिर बिहार विधान परिषद की सीटों के मामले में राजद और भाकपा माले के बीच निश्चित तौर पर थोड़ी नाराजगी है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के महबूब आलम हैं, बात करेंगे। सर, क्या स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, बात यह है कि हम लोग वामपंथ की तरफ से हम लोगों ने एक एजेंडा ही लिया है कि महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और हमारी पार्टी की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई गया में, उसमें बाजबता हम लोगों ने फैसला लिया। पहला एजेंडा था कि महागठबंधन को मजबूत करो। तो महागठबंधन कैसे मजबूत होगा, इस बारे में, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। काम करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, मुझे लगता है इससे महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आहत होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि चुनाव से पहले जिस किस्म के फैसले लिए गए तारापुर कुशेश्वर स्थान सीट पर, तो मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों पर महागठबंधन की बैठकें होनी चाहिए। तो हम अभी भी मानते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व में है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये हम तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, हम तमाम महागठबंधन को ही मजबूत करना चाहते हैं। अब चलिए, कोई बात हो गई, कांग्रेस थोड़ा नाराज़ है, लेकिन परिवार में भी तो नाराज़गी रहती है। लेकिन नाराज़गी को दूर करने की पहलकदमी किनको करनी चाहिए? महागठबंधन के जो लीड दल है, जो लीड पार्टी है, उनको करनी चाहिए। बहुत सीधा सवाल है ये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि ये लोग भी जानना चाह रहे हैं, विधान परिषद सीट को लेकर के आप क्या करेंगे, ये एकदम सीधा सवाल है। विधान परिषद की सीट को लेके हमारी मांग थी कि वामपंथ एक मजबूत दावेदार है। इससे पहले 2000 से लेके अब तक हम लोगों ने राजद के सांसद को राज्यसभा में या एमएलसी में, तमाम जगह में हम लोगों ने एक तरफा बिना राय मशवरा किए अपना मत दिया है। और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, हमारे यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में बात चली गई थी कि ये सीट वामपंथ के सहयोगी दलों को मिल रहा है, लेकिन अचानक जो ये फैसला लिया गया, ये मुझे लगता है किसी तरह से भी ये फैसला वाजिब फैसला नहीं है। और इन फैसलों को लेकर के पुनर्विचार राजद को करना चाहिए, वरना हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन के जो सहयोगी और दल है उन दलों से बातचीत करके क्या फैसला लिया जाए। हमारी कैंडिडेट उतारने का भी फैसला, अभी हमारी पार्टी सोचती है। अभी हमारी पार्टी के कॉमरेड सचिव है कुणाल जी, उनसे हमारी बात होगी, और दीपंकर जी से भी बातचीत हो रही है। हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन संभावना है जी, बिल्कुल उतार सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ महबूब आलम थे, बहुत बड़ा उन्होंने कशिश से बातचीत में कहा, हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से राजद की सोच है और महागठबंधन को हम मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है तजुर्बा चलाने का नहीं हो महागठबंधन को राजद को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजद ने फैसला लिया है, यह फैसला स्वीकार नहीं है। बातचीत चल रही है और हो सकता है हम अपना एक अलग प्रत्याशी दे, इनके और सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है, तो यह बड़ा फैसला ये हो सकता है आने वाले दिनों में लेंगे कि महागठबंधन से अलग विधान परिषद के लिए भाकपा माले अपना एक प्रत्याशी विधान परिषद में देगा, इससे राजद की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। सहयोगी सुनील के साथ मुर्गुवाल पटना। नवादा जिले के मंडल कारा में सदर एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, इस दौरान सभी वार्डों की तलाशी ली गई। लगभग 2 घंटा तक तलाशी अभियान जारी रहा, हालांकि जेल में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। एसडीओ रमेश कुमार भारती ने बताया कि सदर डीएसपी हेडक्वार्टर डीएसपी सहित सभी पदाधिकारी के साथ मंडल कार्य में बंदियों की तलाशी ली गई। हर वार्ड को पूर्णतः से खंगाला गया, लेकिन जेल में किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि काफी बेहतर सुविधा जेल में कैदियों को मिल रही है।
सिवान मंडल कारा के बंदियों को भी बेहतर शिक्षा देने की पहल की जा रही है। इच्छुक बंदियों को मंडल कारा प्रबंधन की ओर से परिसर में पढ़ाई, संगीत व शारीरिक शिक्षा को लेकर भरपूर मौका दिया जा रहा है। इतना नहीं, इसको लेकर साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब इसका परिणाम भी धरातल पर दिखने लगा है। जेल प्रबंधन ने बताया कि पढ़ाई को लेकर अभी केवल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सेंटर को ही मान्यता मिल सकी है और सेंटर में 10वीं और 12वीं क्लास में कुल 12 विद्यार्थियों का नामांकन कराया गया। छात्रों की परीक्षा इस महीने समाप्त हो जाएगी। उच्च शिक्षा को लेकर इग्नू के सेंटर के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन अब तक सेंटर खोलने की मान्यता नहीं मिल सकी है। मंडल कारा में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। जेल में बंद शिक्षक और पढ़े लिखे बंदे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं।